मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर आधे घंटे हम आपके अब सवालों के जवाब देंगे। और सवालों के जवाब आज किससे जुड़े होंगे? बाजार की गिरावट से जुड़े होंगे। और ऐसे में आपके निवेश को लेकर आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। हमारे साथ मनी हिंद स्कूल के फाउंडर अर्णव पंड्या जुड़ गए हैं, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तगी भी जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार है, समझना चाहते हैं कि जो गिरावट हमने देखी है ये आगे और लंबी कितनी चलेगी। तो अर्णव जी, हमने देखा निफ्टी 17,200 के नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स 1545 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर जो 17,200 के नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स 1545 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। अब ऐसे में जाहिर तौर पे जो छोटे निवेशक होते हैं, जो छोटी छोटी अमाउंट की एसआईपी करते हैं, पैसे डालते हैं इक्विटी बाजार में, ये सोचते हुए कि उनके बड़े बड़े सपने पूरे हो जाएंगे, उनके लिए गिरावट का माहौल थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार पांचवा या छठा सेशन है जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट का दौर गहराता जा रहा है। क्या वजह है, क्या ट्रिगर्स है, मोटे तौर पर अगर मैं समझना चाहूं आसान भाषा में, अर्णव जी? जी, अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इक्विटी मार्केट्स है उसमें कई सारे फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। तो हाल की स्थिति में जो माहौल हम दुनिया भर के बाजारों में, भारतीय इकोनॉमी में देख रहे हैं, उसमें से कई सारे फैक्टर्स हैं जो यहां पर एक महत्व की भूमिका का रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, पहली चीज तो ये है कि वैल्यूएशन के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी इक्विटी मार्केट्स हो तो वहां पर ओवर द लॉन्गर टर्म वैल्यूएशन एक बहुत बड़े मायना रखता है, क्योंकि वहीं पे अल्टीमेटली आपको ये डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार से ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स रहेंगे। इसके साथ दूसरा फैक्टर जो है वो होता है कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज होते हैं। तो भारतीय बाजार में अगर हम देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जहां पर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये दो एक बड़े एरियाज या प्लेयर्स है जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में वो इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने देखा है कि अगर आप देखें तो पिछले डेढ़ दो महीने से एफआईआई कंसिस्टेंटली एक सेलिंग मोड में रहे हैं, और वो इसलिए रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से यूएस में फेडरल रिजर्व के एक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ये तय किया कि जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। इसके बाद जो बात आई कि वो इस साल यानी कि 2022 में रेट इंक्रीज भी करने वाले हैं, और जो लेटेस्ट खबर ये है कि एक्चुअली जो रेट इंक्रीज है वो मार्च से शुरू होगा। तो ये सभी फैक्टर्स को लेके एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट्स, और उसमें क्योंकि भारत का समावेश होता है, वहीं से पैसा निकालकर दूसरे एरियाज में एलोकेट करते हैं। इसके सामने जो हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उनके भी फ्लो पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में छोटे निवेशक ज्यादा रकम डाल रहे हैं, वहीं से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो कंसिस्टेंटली नेट बायर्स रहे हैं पिछले काफी महीनों से। तो यहां पर अगर स्लो डाउन आता है तो उसका भी असर दिखता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है इन्फ्लेशन का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे होता है, इंडियन कॉर्पोरेट्स पे होता है, क्योंकि ऑयल से जुड़ी हुई कई सारी चीज एक इनपुट कॉस्ट होती है, और अगर ये इनपुट कॉस्ट पास ऑन न करे तो कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट होता है, और अगर पास ऑन करे तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहता है जो आज की तारीख में एक नेगेटिव जैसा है। और अल्टीमेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कई मात्रा में मार्जिन प्रेशर में आ रहे हैं। ये सभी वजह को देखते हुए आज हम देख रहे हैं कि एक ओवरऑल माहौल जो है पिछले कई दिनों से वो थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। लेकिन एक चीज हर एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर वो बहुत चिंता ना करें, क्योंकि ओवरऑल एक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट आपको देखना है और किस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी और कॉर्पोरेट परफॉर्म कर रहे हैं।
ऑल राइट, लेकिन ये ट्रिगर्स एक छोटे निवेशक के लिए कितने मायने के हैं, किस तरह से उन पर इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो अपने निवेश को रोक दें या अपने निवेश को जारी रखें? जाहिर तौर पे अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो हम आपको कहते हैं कि आपको अपना निवेश रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेमंत जी छोटे निवेशक जो कि बाजार को कम समझते हैं इस तरह की गिरावट को देखकर जाहिर तौर पर डर जाएंगे। ट्रिगर्स हालांकि हमने उनको समझाए हैं बहुत बारीकी से, लेकिन कहीं ना कहीं सबको लगता है कि उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है जो वो बाजार में लगा रही है, इस तरह बाजार गिर गया तो उनका तो पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। कैसे उन्हें हम ये समझाएं कि इस गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि ये मौका है, अपने निवेश को बढ़ा सके तो बढ़ा दें? हेमंत जी, कविता आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब भी हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हो, स्पेशली छोटे इन्वेस्टर क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनाना चाहते हैं तो टेंशन थोड़ी ज्यादा होती है, किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर को यह समझने की जरूरत है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो ये समझ लें कि वॉलेटिलिटी जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है स्टॉक मार्केट का। कभी 5% करेक्शन हमने इससे पहले भी देखी थी, इनफैक्ट 10% करेक्शन हुई, मार्केट ने फिर से रिकवर किया, और अभी जो हमने देखी है करीब 6% की गिरावट हमने पिछले 5 सेशन में देखी है। तो आई थिंक अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो एक डिसिप्लिन तरीके से SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर SIP से नहीं भी कर रहे हैं तो आपके पास समय है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको घबराने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले कहा, हमने कुछ समय पहले ही हमने 10% की करेक्शन देखी और फिर हमने उसको रिकवर करते देखा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी है कि अगर आपने पहले देखा रिकवर होते हुए तो कोई कारण नहीं कि यहां से रिकवर नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में गिरने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी समझाया अनुप ने कि क्या क्या कारण है उसके। तो आई थिंक अभी कभी कभी जैसे बजट अभी आने वाले हैं, हालांकि बजट का कोई भी मार्केट में अभी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, बहुत सारे एक्सटर्नल कारण है जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो, जब मार्केट गिरता है तो इनफैक्ट मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको फायदा होता है। वो फायदा इसलिए होता है कि आपको जो NAV जो गिरी है उस लेवल पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिलती है। तो अगर आपके पास 10 साल 15 साल का टाइम होराइजन है तो आपको आज की वैल्यूएशन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाँ, ये बात सही है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कविता, कि आप मेहनत की कमाई जब देखते हैं पोर्टफोलियो वैल्यूएशन थोड़ा नीचे जाता है तो थोड़ी घबराहट जरूर होती है, तकलीफ होती है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जो इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहना कि आप मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करो, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन तरीके से ऑटोमेटिकली अगर आपका पैसा जा रहा है, आपके इस लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे आपकी एवरेज जो है थोड़ी नीचे आएगी, डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता ये बहुत लंबे समय तक इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ चीजें सेटल होगी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, रशिया यूक्रेन का इशू है, कमोडिटीज प्राइसेस हैं, तो आई थिंक कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है, हमेशा हमने देखा है। तो घबराए नहीं बिल्कुल भी, अपने टाइम होराइजन पे फोकस करें, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक डिफाइंड टाइम होराइजन करके चलेंगे तो आपको पता है कितना समय है, वो आपको तैयार करता है इस तरह की वॉलेटिलिटी को फेस करने के लिए। डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी SIP रोकना नहीं है, और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही है, कुछ पैसा अगर आपके पास लमसम है डालने के लिए और जो लॉन्ग टर्म का पैसा है तो डेफिनेटली कुछ पैसा डालने का ये समय अच्छा है। हो सकता है वॉलेटिलिटी कुछ और दिन चले, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पैसा एक साथ डालें, थोड़ा धीरे धीरे करके पैसा डालें, बट अगर आप डिसिप्लिन तरीके से करें तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा मैंने कहा, आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आएगी, आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेगी, लॉन्ग टर्म में आपका इसको फायदा होगा। हमेशा समझ के चलिए कि लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन इंटरिम पीरियड में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आप अपने जो गोल है उसके ऊपर फोकस करते रहिए, अगर आप श्योर हैं कि आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म का पैसा लगाया तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, तो यहां पर तमाम तरह की बाजार को लेकर रिपोर्ट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लगातार गतिविधियों को ट्रैक करें, देखें कि कितनी गिरावट आ रही है, किस तरह से बाजार संभल रहा है या नहीं संभल रहा है। उससे भी ज्यादा जरूरी यहां पर यह होगा समझना कि अगर अपने निवेश को बढ़ा सकें तो आप बढ़ाइए, लेकिन निवेश कहां कर भी सकते हैं इसको लेकर भी लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ सवाल जो कि हमें ट्विटर पर आते हुए दिखाई दिए हैं वो मैं अब लेना चाहती हूं। अर्णव जी, प्रतीक का ये सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि बाजार की इस गिरावट को क्या स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अमूमन स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर निवेशकों को बहुत रुझान होता है, हाई रिस्क हाई गेन वाली ये कैटेगरी है। मौजूदा समय में स्मॉल कैप कैटेगरी को कितनी तरह से कैसे हम कंसिडर करें या ना करें? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर हो उनको पहले अपने पोर्टफोलियो की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने गोल्स की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में
स्पेस है, यानी कि जगह है स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ही स्मॉल कैप फंड्स को उसमें शामिल करें। क्योंकि देखिए, अगर आपके गोल्स के मुताबिक आपने ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है जहां पर थोड़ा शायद मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप इसका मिक्सचर है एक्सपोजर का, या ऑलरेडी एक एक्सपोजर है आपका, तो सिर्फ इसीलिए कि बाजार गिर रहा है और आपने स्मॉल कैप से थोड़ी ज्यादा गिरावट देखी है, वो हिसाब से आपको यहां पर एक निवेश करना नहीं है। यानी कि मेरा कहना यह है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को एक स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार का सिंगल इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो उसमें रिस्क ये रहता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो वेटेजेस है अक्रॉस मार्केट कैप्स, इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो बिगड़ जाएगा और इंस्टेड ऑफ एक्चुअली आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो जरूरत होने पर ही इस पर देखिए, वरना अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है आप इससे शुरुआत मत कीजिए। ऑलवेज लार्ज कैप या इवन फ्लेक्सी कैप फंड से आप शुरुआत करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मिलता जुलता सवाल योगेश का भी है हेमंत जी, और ये तो पूछ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप कहां पर कैसे पैसे लगाऊं, तो आप क्या सेम ही सलाह देंगे जो समझाई शर्णव सर ने दी है, क्या कहेंगे? देखिए कविता, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये बात सही है कि मार्केट में गिरावट है, बट इतनी ज्यादा गिरावट तो अभी नहीं हुई है। 6% की अगर गिरावट है शायद ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा होगी कि आपको लगे कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है, तो अपने पोर्टफोलियो को आप जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बना लें। देखिए, इक्विटी बाय इटसेल्फ एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये समझना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा अग्रेसिव जो सेगमेंट है ये, इसमें ज्यादा गिरावट भी होती है। और ऐसा कहीं नहीं कह सकते हम कि आज अगर मान लीजिए गिरावट है, कल रिकवरी होगी, उसके बाद से गिरावट नहीं होगी। तो आई थिंक जब आप मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बड़े बड़े एक्सपर्ट इवन बेस्ट ऑफ फंड मैनेजर भी मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। और पोर्टफोलियो को कुछ मार्केट में गिरावट देख के ज्यादा एग्रेसिव बनाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ही एक अच्छा डिसीजन होगा। आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपके पास है, आपने एलोकेशन किया हुआ है डिफरेंट सेगमेंट में, आपका कंफर्ट जो लेवल है उसके हिसाब से किया है, उन्हीं के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके पास अगर लमसम है तो जरूरी नहीं है कि आपको कल जाके सुबह सारी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। लॉन्ग टर्म का पैसा है आपके पास, आप सिस्टमेटिक भी करते हैं, लमसम भी करते हैं, डेफिनेटली लमसम कीजिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मार्केट में कुछ आपको गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें भी आप ऐसे सेगमेंट में जाएंगे जहां पे बहुत ही एग्रेसिव है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी गारंटी नहीं रहती है कि इसके बाद मार्केट वॉलेटाइल नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं हो कि हम पीछे मुड़के देखें, फिर हमें पछतावा हो कि हमने जो डिसीजन किया थोड़ा जल्दबाजी में किया। टाइमिंग करके मार्केट से कभी भी गिरते बाजार में फायदा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मालूम नहीं है कि यहां से और कितना गिर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कब कब फिर से वॉलेटिलिटी आए वो भी बोलना मुश्किल है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में अपना फोकस रखिए, अपने गोल के हिसाब से जाइए, जो आपके एलोकेशन है। अगर आपको लमसम करना भी है तो उन्हीं फंड्स में कीजिए जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्की ना बनाए। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, झटपट आगे बढ़ते हैं। राहुल का सवाल अगला है अर्णव जी, और ये पूछ रहे हैं कि बाजार की मौजूदा गिरावट में क्या एकमुश्त निवेश करने का सही समय है? नहीं, मेरे हिसाब से आपको जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं निवेश के, जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में रेगुलरली कहते हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टिंग करना, यानी कि आपका कोई भी अमाउंट हो उसे स्प्रेड आउट कर दीजिए निवेश करने में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आज की तारीख की जो गिरावट है वो क्या एक स्टैंड अलोन गिरावट है या इससे एंड हो जाएगी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज की जो परिस्थिति है उसमें आगे जाते हुए कई और तकलीफें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक जियो पोलिटिकल टेंशन है, थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि कैसे अबू धाबी के एयरपोर्ट पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ था, और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने रिटेलिएट किया था। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जो समस्या है वहीं पर भी कुछ नया हो सकता है। सिमिलरली चाइना और ताइवान का जो पूरा मसला है वहीं पर भी रिस्क है। तो ये सब रिस्क कहीं पर भी कभी भी उभर सकते हैं। तो आप एक मुश्त निवेश करके अपना रिस्क बढ़ाइए नहीं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट करना है। और इसी बेसिक पॉइंट पे अगर आप फोकस करते हैं, रेगुलर इन्वेस्टिंग, स्प्रेडिंग आउट योर इन्वेस्टमेंट्स, तो वहीं से आपको एक ओवरऑल एवरेजिंग ऑफ कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है।
चलिए मणिमंत्रा में सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त आ गया है वीडियो के जरिए सवाल लेने का। और हमारे पहले दर्शक वैभव बंसल का सवाल है वीडियो के जरिए जो कि हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चलिए सुनते हैं देखते हैं सवाल। हेलो मैम, मेरा नाम वैभव है, मैं उत्तराखंड के शहर रुड़की से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है 4 महीने पहले, 500 रुपये महीना में इसमें सिर्फ जाती है, जो कि फंड है UTI फ्लेक्सी कैप। ये आप एक चैनल थ्रू मैंने फंड लिया था और मैं अपने ये सिप अब 5,000 तक की सिप करना चाहता हूँ अलग अलग फंड्स में। तो मुझे कुछ ऐसे फंड बताइए जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकूँ, ये मेरा सवाल है। और इसके अलावा मैं अपना एक पोर्टफोलियो भी तैयार किया है जिसमें मैं अपने आप 25,000 रुपये मैं LIC में भी डालता हूँ, 30 से 40,000 रुपये PPF अकाउंट में भी डालता हूँ और मेरे पास इंश्योरेंस भी है, KA 1.5 करोड़ का कवर भी मैंने ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस में। इसके अलावा मैं अटल पेंशन योजना में भी मेरी मंथली मेरा पैसा कटता है 400 साढ़े 400 के करीब और मेरे पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है। तो अब मैं अपने मेरा टारगेट म्यूचुअल फंड्स है जिसमें मैं 5,000 तक की SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ मंथली और मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ अच्छे फंड्स सजेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ। वैभव बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने सवाल पूछा है। वैभव की तरह अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो देखिए वीडियो के जरिए बेहतरीन तरीका है हम तक पहुंचने का और सवाल पूछने का। लेकिन अर्णव जी, थोड़ा सा हम वैभव के पोर्टफोलियो को देखते हैं। UTI फ्लेक्सी कैप में इन्होंने पैसे डाले हुए हैं और बाकी तमाम डिटेल्स इन्होंने दी है अपनी डेट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। LIC का एंडाउमेंट प्लान जो इनके पास है उस पर भी हमें इनको सलाह देनी चाहिए, मे बी एक लॉन्ग एक प्योर इंश्योरेंस कवर की जो कि टर्म प्लान के रूप में ये ले सकते हैं। लेकिन चलिए यहां पर ये 5,000 रुपये निवेश करने की बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो इसके लिए किस तरह के फंड्स आप इनको सुझाएंगे? UTI फ्लेक्सी कैप क्या सही है, इसमें निवेश बढ़ाया जा सकता है मौजूदा जो कर रहे हैं 500 रुपये से? जी, अगर हम पूरे उनके पोर्टफोलियो की ओर देखें तो पहले थोड़ा इंश्योरेंस पे नजर डाल लें। उनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी वहीं पे वो निवेश कर रहे हैं, तो उनके एक्चुअल लाइफ कवर के लिए उनको एक टर्म प्लान लेना चाहिए जिससे लाइफ इंश्योरेंस का रिस्क उनको कवर हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो दूसरे अलग प्रकार के उनके इन्वेस्टमेंट है उसमें PPF है, तो ये सब डेट इन्वेस्टमेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उनके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे आते हैं, उनके गोल्स को देखते हैं, तो उस हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है वो इक्विटी में जा सकता है क्योंकि उनके गोल्स भी लॉन्ग टर्म है और यहां पर उनको इक्विटी डेट का जो मिक्सचर है वो भी बनाए रखना है। अब उन्होंने ऑलरेडी एक शुरुआत कर दी है UTI फ्लेक्सी कैप से, तो फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी शुरू करने के लिए भी एक सही चीज है और उन्होंने जो फंड चूज किया है वो भी एक अच्छा फंड है, तो ये एक शुरुआत उनको उनकी सही है। अब उनको अगर एडिशनल अमाउंट निवेश करने हैं तो मेरे हिसाब से उनको ये ध्यान देना होगा कि वो एक पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो में उनके लिए जो सूटेबल है उसमें मेरे हिसाब से एक लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मिड कैप फंड होगा। तो जो लार्ज कैप फंड है उसमें ये मेरा एसेट का जो लार्ज कैप फंड है वहीं पे देख सकते हैं और ये 5,000 में से 2,000 रुपया यहां पर एलोकेट कर सकते हैं। जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसमें उनके पास ऑलरेडी UTI का फ्लेक्सी कैप है जिसमें ऑलरेडी 500 निवेश कर रहे हैं, तो उसमें ये 1,500 और बढ़ा सकते हैं आउट ऑफ द 5,000 का एलोकेशन। और तीसरी जो कैटेगरी है जहां पर वो एक मिड कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग इक्विटीज को देख सकते हैं, वहां पर भी वो 1,500 का एलोकेशन कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा जहां पर उनको एक अच्छा ओवरऑल डेट इक्विटी मिक्स मिलेगा और उनके गोल्स के लिए ये सही होगा और आगे जाते हैं ये रेगुलरली 6 महीने पर इसको मॉनिटर करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल वीडियो के जरिए अमित साता लेकर पूछना चाहते हैं, इनका सवाल क्या है जान लेते हैं। कविता मैडम, मैं अमित सदरकर बोल रहा हूँ पुणे से। पहले तो आपके आपका और आपके शो का धन्यवाद।
इसके जरिए लोगों में इन्वेस्टमेंट में जो जागरूकता आई है उसके लिए। मेरा सवाल यह है कि मेरी अभी 42 इयर्स एज है, मेरा 7000 म्यूचुअल फंड में SIP चल रहा है, 2000 ICICI ब्लू चिप में, 1500 DSP स्मॉल कैप में, 1500 मेरा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में और 2000 मेरा एक्सिस स्मॉल कैप में। तो उसके हिसाब से मेरा 20 साल में कितना कॉर्पस बनेगा और एडिशनल में 8000 ऐड कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे फंड सूचित कीजिए। थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर अमित बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। मैं हेमंत जी के पास जाऊं सवाल लेकर, उससे पहले तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आप चाहें तो वीडियो के जरिए अपना सवाल मनी मंत्रा तक पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट बजट को लेकर कोई सवाल अगर आपका है, कोई समझाइश अगर आप हमसे चाहते हैं तो वो सवाल भी हमें भेज सकते हैं। नंबर झटपट से नोट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये 9619873567। इस नंबर पर सवाल का वीडियो बनाकर आप भेजेंगे। वीडियो सवाल जो है आपके इन्वेस्टमेंट का हो सकता है या बजट आने वाला है उसको लेकर भी कोई बात समझना चाहते हैं हमसे, तो अपने सवाल वीडियो के रूप में शूट कीजिए और वीडियो अपलोड कीजिए व्हाट्सएप पर। हेमंत जी आपके पास मैं आती हूँ। चार फंड्स है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, DSP स्मॉल कैप, ICICI ट्रू ब्लू चिप और एक्सिस स्मॉल कैप। इन्होंने कह रखा है कि इनके पास हेल्थ कवर है और 15 से 20 साल के लिए, हालांकि कह रहे हैं कि इनको अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसके तहत जो फंड्स शामिल किए हैं वो कैसे हैं। 1 करोड़ का टर्म प्लान भी है, 10 लाख का हेल्थ कवर भी है। मैं समझ रही हूं कि इन्होंने तमाम चीजें कंसिडर करके ही ये कवरेज अमाउंट अपने लिए डिसाइड किया होगा, लेकिन हम पोर्टफोलियो की बात करें, 8000 रुपये ये बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 8000 से अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं, तो बताएं 1000 रुपये की SIP और कहां शुरू करें। कविता सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की है, बेसिकली देखिए इनके पास जो टारगेट है करीब 2 करोड़ का टारगेट है, समय इन्होंने कहा 15 से 20 साल, तो मैं अगर 20 साल ये मान के चलता हूं, इतने लंबे समय के लिए जब आपका टारगेट इतना बड़ा हो तो सबसे अच्छी अप्रोच रहती है आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, जो वो ये कर रहे हैं। तो कहूंगा जहां तक जो स्ट्रैटेजी है सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने की, साथ में इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की, तो आई थिंक वहां पर इन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो करीब 7000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8000 और कर सकते हैं, तो इनके टारगेट की अगर मैं बात करूं 20 साल में अगर इनको 2 करोड़ तक पहुंचना है, तो मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि क्योंकि इक्विटी का पोर्टफोलियो है कि अगर 12% के एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब इनको 20000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 7000 ये ऑलरेडी कर रहे हैं, 8000 और कर सकते हैं, 5000 का शॉर्टफॉल है यहाँ पे, तो पहली बात तो कहूंगा कि इनकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो 5000 को भी बढ़ाएं, ताकि बहुत ज्यादा गैप उनके जो लक्ष्य में उनको आगे आगे देखने को ना मिले। 7000 की जो इन्वेस्टमेंट है, 4 फंड में से 2 फंड जो है वो स्मॉल कैप फंड है, 50% पैसा जो है वो DSP स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में जा रहा है। हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, स्मॉल कैप एक काफी एग्रेसिव सेगमेंट है, कभी कभी हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न अच्छा होगा, वो होगा भी शायद, लेकिन हमें यह समझना है कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। यहाँ पे 50% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम एक जो है स्मॉल कैप फंड की SIP बंद करें, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप DSP में रखें, तो एक तो ये 2000 रुपये को दोबारा से इनको एलोकेट करना होगा, 8000 रुपये इन्होंने कहा और कर सकते हैं, तो करीब 10000 रुपये की इनको एलोकेशन देंगे। 2 फंड मैं इनको बोल रहा हूँ जहां जो कंसिडर कर सकते हैं, एक एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो लार्ज एंड मिड कैप है, इसका थोड़ा पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो, और जैसा मैंने कहा मिक्स जो है लार्ज मिड और साथ में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और दूसरा फंड जो मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ SBI फोकस फंड, अगेन जैसा आप देख सकते हैं नाम से एक फोकस फंड है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है लेकिन सेक्टर लेवल पे काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप के लिए वहां पे बायस है, तो आई थिंक इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये बिल्कुल सही रहेगा। तो ये 2 फंड आपको करने हैं, 1 फंड में आपको SIP बंद करनी है, और जैसा मैंने कहा 5000 रुपीज का गैप है, जितना जल्दी हो सके उस SIP को आप बढ़ाएंगे उतना ही लंबा समय आपको मिलेगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। समय आएगा बहुत बार जब मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, आपको अपने जो टारगेट है उस पर फोकस करना है, अपने गोल पे फोकस करना है। अगर आप इस प्रोसेस को पूरे 20 साल तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि जो आपका जो गोल है 2 करोड़ का वहां तक आप ना पहुंच पाए।
चलिए, तो यहाँ पे जितना मुमकिन हो सकेगा इनको अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास समय लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो फंड्स के बदलाव आपने सुझाए हैं ना, वो किस वजह से आपने सुझाए हैं हेमंत जी? अभी अगर इनकी मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस करूँ तो 7000 रुपीज की SIP है, उसमें 50% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, एक तो वहां पे इशू क्या है, लिक्विडिटी का इशू होता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। ये बात सही है जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो सेगमेंट में आपको रिटर्न ज्यादा मिले, लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं ये भी आपको देखना है। जब आप एक छोटे निवेशक हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक, हालांकि दोनों के दोनों जो फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको चेंज करने को नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एग्रेशन थोड़ी पोर्टफोलियो में ज्यादा है। और उसके सामने मैंने उनको कहा है कि आप एक फोकस फंड में जाएं जहां पे लार्ज कैप का बायस हो, और एक ऐसा फंड जो लार्ज एंड मिड कैप में लगे। दोनों फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, और ये एक तो एग्रेशन थोड़ी पोर्टफोलियो में कम करेगा, और जो सही बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड में, वो उनको इस चेंजेस से मिलेगा। चलिए, तो यहां पर ये सुझाव आपको आते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। आज आप लोग शो पर आए और निवेशकों को बाजार की गिरावट और इस मौजूदा समय में पैनिक नहीं करने के पीछे क्या वजह है आपने समझाई, किस तरह से निवेश को बढ़ाया जा सकता है, इसका आपने उनको तर्क दिया है। उम्मीद करते हैं कि निवेशक हमसे इसी तरह की सलाह और लेते रहें। और जाते जाते आप सबको बता दूं कि अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। सबसे आसान तरीका है मनी मंत्रा तक पहुंचने का, 9619873567 वो नंबर है जहां पर अपना सवाल लिखकर भी भेज सकते हैं, चाहे तो वीडियो के जरिए रिकॉर्ड भी करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी आप सवाल पूछे वीडियो पर रिकॉर्ड करें, विस्तार से रिकॉर्ड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कब से शुरू की है, किन किन फंड्स में कर रहे हैं, कितने की कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, इंतजार रहेगा के सवालों का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।